हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 4 द्वारका, और सेक्टर 4 द्वारका क्या करने आया है, कवर करने आया है एक और प्लांट नर्सरी जो कि है DDA प्लांट नर्सरी। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पौधे अवेलेबल हैं इस टाइम पे, क्या क्या रेट हैं प्लांट्स के। एक बार मैं आपको नर्सरी दिखा देता हूँ कि द्वारका प्लांट नर्सरी पे दिल्ली विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी नर्सरी सेक्टर 4। तो चलिए गाइज, चलते हैं नर्सरी में और दिखाते हैं आपको कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइज, ये है DDA की प्लांट नर्सरी, काफ़ी अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है, और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी नर्सरी है ये। मेरे साथ है प्रकाश मीना जी, जो कि यहाँ की देख रेख करते हैं, जितने भी यहाँ पे माली हैं जो इनके अंडर हैं, और काम करवाते हैं उनसे कि किस तरह से आपको प्लांट में पौधे पानी देना है या फिर खाद किस टाइम पे देनी है, सारी देख रेख यही करवाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आए हैं चिक में, और हमें दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी, ये तो एक तरह से ग्रीन हाउस है ना, एक तरह का। तो गाइस, ये जो ग्रीन हाउस है यहाँ पे, इसके अंदर प्रॉपर सारे इंडोर प्लांट्स की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। ये सर रेबिस फार्म है। रेबिस फार्म, हाँ जी। तो गाइस, ये है रेबिस फार्म, इसकी क्या नाम है, क्या प्राइस होगा इसका? सर इसकी 485 रुपये की। 485 रुपये गमला सहित। ठीक है, तो लोग आते हैं इतना महंगा पौधा खरीदते हैं, 485 वाला। ये एरिका पाम है, इसका क्या रेट होगा सर? ये 300 रुपये का सर। 300 रुपीज का। ठीक है, सारे मनी प्लांट्स है जी। क्या प्राइस होगा इनका? ये 334 रुपये है सर। 334 रुपीज इसका प्राइस है। ये सब प्रॉपर साथ में मिलता है इसके? हाँ जी, साथ। हाँ हाँ जी, ठीक है। अगर मनी प्लांट का वैसे थैली में भी लगाते हैं ज्यादातर गमले में ही, ज्यादातर गमले में रहते हैं। हाँ, मैंने देखा, क्योंकि ज्यादातर आपने गमले में चलता है, मॉस ग्रास लगाते हैं। हाँ, जो गवर्नमेंट का रेट है 334 रुपीज, ये कम ज्यादा रहता है या इतना फिक्स ही रहता है? फिक्स है ना, एक रुपए ज्यादा होता है ना कम होता है सर। अच्छा अच्छा, ऐसा एरो केरिया, क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, क्रिसमस ट्री। हाँ हाँ, ये वही हो गया अपना जी। ये शायद वो फाइकस होगा कोई। तो ये पांडा फाइकस का की वैरायटी है? 285 रुपये। 285 रुपीज। ठीक है, सीना है सर। ड्रेसीना, ये भी इंडोर प्लांट है। हाँ, ये फोनेक्स पाम है। अच्छा, ये फोनेक्स पाम है, वो तो हमने देखा पीछे भी शायद, है ना? वो अलग चीज है। अच्छा, वो अलग है, ये अलग है। ये फरकेरिया है सर। अच्छा, फरकेरिया। अच्छा, तो कहिए, फरकेरिया का पौधा है, ये भी एक इंडोर प्लांट है। क्या प्राइस होगा इसका? 434 रुपये। और ये छोटे वाला? ये सर तो एक ही रेट है, ये तो गमला टूट गया। अच्छा, तो आप बड़े गमले में दोगे? हाँ जी, ठीक है, लगा गमला दूसरा देंगे, टूटा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये भी फरकेरी है? ये यूका है। अच्छा, ये यूका है। हाँ जी, यूका, ये भी काफी बड़ा पौधा है। ये 385 रुपीज विद प्लांटर, विद गमला। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, बोगनवेलिया। तो गाइस, ये बोगनवेलिया आपने मेरी पुरानी वीडियो तो में देखा होगा, बोगनवेलिया काफ़ी जगह मिल जाता है आपको इजीली। तो गाइस, ये वही है बोगनवेलिया की कटिंग, जब ये ऐसे पौधा ग्रो करेगा तो ये थैली में कितने का मिलेगा? 40 रुपीज़ का। तो गाइस, यहाँ पे आपको प्लांटर्स भी मिल जाएंगे, मतलब गमले भी मिल जाएंगे, छोटे चाहिए बड़े चाहिए, प्राइजेस के हिसाब, मतलब साइजेस के हिसाब से, इंच के हिसाब से। हाँ, साइज के हिसाब से रेट है। 18 रुपये का है ये 18 रुपये का गाइस पड़ जाएगा आपको। 6 इंच है ये, आप देख सकते हो, ये 6 इंच का गमला है, 18 रुपये का पड़ेगा आपको। और उसके अलावा अगर जहाँ पे आपसे सीमेंटेड वाले गमले भी, ये सीमेंट वाले हैं ना? हाँ जी सर। तो कहिए, सीमेंट वाले गमले हैं, ये कितने इंच है? ये सर 12 इंच। 12 इंच, 12 इंच में है। क्या प्राइस होगा इसका, 12 इंच वाले का? सर 185 रुपये। और ये वाला कितने का है? सर ये 34 रुपये का, 34, 10 इंची का। 34 रुपीज का, 10 इंच। हाँ, ये 38 का है स्पेशल गमला। अच्छा, ये 38 रुपीज का। हाँ, 38 का, 10 इंच में। 10 इंच का, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी का सर। हाँ जी। और ये वाला? ये सर 12 इंची में है। हाँ जी। 50 रुपये का। 50 रुपये का, ठीक है। ये 56 का है सर, 12 इंची में स्पेशल है। अच्छा, 56 रुपीज का। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी, क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो जाती है। ये पॉलिथीन भर रहे हैं थैलियाँ। अच्छा, मिट्टी की। अच्छा, मिट्टी की। हाँ, इसके अंदर फिर कटिंग आप कटिंग लगती है, कटिंग भी आप लोग तैयार करते हो? हाँ जी। ये पॉलिथीन भरते हैं और इसके अंदर से फिर प्लांट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं। जैसे किसकी लगी हुई है कटिंग? ये सर कनेर की लगी हुई है, लाल कनेर। लाल कनेर, कनेरू बोलते हैं, कनेर, 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 लाल कनेर, लाल कनेर। अच्छा अच्छा,
तो ये जैसे अब ग्रो होगा तो कितने का मिलेगा, मतलब जैसे फर्स्ट पौधा इसका निकलता है जैसे थैली में या फिर? ये सर थैलियों में मिलेगा ये 55 रुपए का, 55 रुपीज़ का, ठीक है। तो गाइस 55 रुपए इसका रेट है, आप देख सकते हो ये ग्रो हो चुका है, आपको थैली में दे दिया जाएगा। अगर आपको गमले में लगवाना है या 35-37 रुपीज़ वाले गमले में लगवाना है या फिर 50 रुपए वाले गमले में लगवाना है, तो उसी हिसाब से इसका रेट आपको लग जाएगा। एनर्मी क्या बोलते हैं पूरा एग्जैक्ट? एनर्मी, एनर्मी इसका क्या प्राइस होगा? इसका सर 35 के 35 रुपए का। तो गाइस 35 रुपीज़ में एनर्मी का, ये इंडोर या आउटडोर प्लांट है? आउटडोर है। गमले में लग जाता है? गमले में नहीं, जमीन में लगता है। जैसे कोई गार्डनिंग वगैरह कर रहा है अपने घर के आसपास तो उसमें बंदा यूज कर सकता है, ठीक है। ये कौन सा है? जड़ प्लांट। अच्छा क्या प्राइस है इसका भैया? 85 रुपए। 85 रुपए का है गाइस ये गमले सहित, और काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है देखने में। ये क्या अगवे? 145। तो गाइस 145 रुपए का ये अगवे का पौधा यहाँ पे अवेलेबल है विद गमला। तो गाइस ये गुड़हैल का पौधा है, आप देख सकते हो इस टाइम थैली में अवेलेबल है यहाँ पे। क्या प्राइस होगा इसका? 62 रुपए का गाइस पौधा यहाँ पे अवेलेबल है गुड़हैल। इसके अंदर फूल आता है ना गुड़हल का? हाँ जी, लाल फूल, लाल फूल आता है, ठीक है। तो गाइस ये है क्लोरोफाइटम, कितने रुपए का है ये? 95 रुपीज़ का विद गमला। सीना ग्रीन है, ड्रेसीना ग्रीन। ये कितने का है? ये 125। 125 रुपए का, ठीक है। एस्पेरा घास घास पिचित करते हैं। अच्छा एस्पेरा घास घास 75 रुपीज़ का गाइस पौधा अवेलेबल है विद गमला। ओफी पोगोन ये कितने का है सर? ये 95। 95 रुपए का। तो गाइस ये एलोवेरा की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, 100 रुपए का है ये पौधा। ऐसा लग रहा है कि तोरी की बेल है, ऐसा लगता है। ये पिटोनिया, अच्छा ये मिलता है पिटोनिया सेल में? लगा रखे ये तो ऐसे लगे हुए हैं। ये लिली है? लिली है सर। अच्छा अच्छा जिसमें व्हाइट फूल आता है वही वाला है? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या प्राइस होगा इसका? सर इसकी 150 रुपये। 150 रुपीज़। तो इस तरह के प्लांटर भी मिलते हैं क्या यहाँ पे? ये जो लगा रखे मिलते हैं बास्केट में मिलते हैं? क्या प्राइस होगा इसका? 200 रुपीज़, मतलब जो भी पौधा लगवा लो। अच्छा प्रॉपर एक फ्लावर वैरायटी भी मिल जाएगी आपको, अगर फ्लावर्स में कुछ परचेज करना है, फ्लावर्स की वैरायटी देखनी है। कौन सा है? मेट्रो केरिया। तो कहिए मेट्रो केरिया का फ्लावर प्लांट है 55 रुपये विद गमला। वाह, तो बस 55 रुपये में मात्र अवेलेबल है, यहाँ पे आके परचेज कर सकते हो आप मेट्रो केरिया। तो गाइज़ इसी तरह से काफ़ी फ्लावर्स वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है, और गमले के साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि गमला भी हमें साथ में मिल जाएगा, हमें अलग से परचेज करने की नीड नहीं है। और गाइज़ जितनी भी DDA नर्सरी में प्लांट्स वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पर रेट लिस्ट वगैरह प्रॉपर दी हुई है। तो गाइज़ इकोनॉमिकल रेट है इस नर्सरी के, और ज़्यादातर जो पौधे हैं वो आपको प्लांटर्स के साथ दिए जा रहे हैं, तो अलग से आपको गमले वगैरह प्लांटर्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इस नर्सरी की। तो गाइज़ ये है दिल्ली विकास प्राधिकरण नर्सरी सेक्टर 4 द्वारका, हम लोग यहाँ पर आए थे और आपको नर्सरी वगैरह मैंने दिखा दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए चलते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्लांट्स लगाएं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।